आज की वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के हमारे तीसरे चैप्टर धारा विद्युत के। धारा विद्युत का अर्थ क्या है? सबसे पहले चैप्टर में हमने स्थिर विद्युत की बात करी थी और अब ये हमारा शुरू हो रहा है। स्थिर विद्युत का तात्पर्य तक हम जो बात कर रहे थे तो आवेश को स्थिर रखते हुए बात करें। अभी जो हम बात करेंगे वो धारा की आवेश की गतिशील अवस्था में बात करने वाले। तो धारा विद्युत की में हमारा पहला टर्म आता है धारा, इसे हम इंग्लिश में करंट कहते हैं। अब करंट की क्या डेफिनेशन बनती है? तो करंट की हमारी जो डेफिनेशन बनेगी वो है आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। मैं यहाँ पे करंट या धारा की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। सबसे सिंपल तरीके से हम अगर धारा की डेफिनेशन देना चाहें तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि किसी तार में, कोई तार है उसके अंदर आवेश क्यू का जो गति है या प्रवाह है उस दर को ही हम क्या कहते हैं, आई। धारा को हम क्रीज सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। तो हम इसे गणितीय विधि में कह सकते हैं, अर्थात I बराबर Q by, ये हो जाएगा इसका गणितीय बराबर होता है N E। तब N का रिप्रेजेंट करता है नंबर और E इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ। तो हम यहाँ पे Q को रिप्लेस कर देते हैं इसे N E और टी का, तो हमारे ये मॉडिफाई सूत्र बन जाएगा आई का धारा का एन ओपन। यहाँ पर एन ओपन टी को हम कह सकते हैं, यहाँ पर एन ओपन टी को हम क्या कह सकते हैं, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये क्या है n ओपन n बाय t। अब इसको हम एक सवाल से सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम सवाल को देखते हैं तो हमको इसका ज़्यादा क्लियर कंसेप्ट हमारा बने। जैसे हम फिजिक्स में कुछ पढ़ते हैं, हर लाइन का अगर हम उसके रिलेटेड सवाल करते हैं तो अगर हम सवाल को सॉल्व कर पाते हैं दैट्स मीन क्या, हम उस लाइन को सही तरीके से कैच कर लें। हम इसी धारा डेफिनेशन के आधार पर एक सवाल करके देखते हैं। हमारा सवाल हो जाएगा, यदि किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या 200 है, कितनी 200 है, तो उस चालक में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? उस चालक में प्रवाहित धारा मान क्या, ये हमारा प्रश्न है।
और वो किससे रिलेटेड हैं, धारा वाले टॉपिक से, धारा के डेफिनेशन पर बेस्ड। तो अब हम इसका, हम अगर किसी सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले हमारा तरीका होता है सवाल सॉल्व करने का कि हमको दिया क्या गया है, प्रश्न में क्या दिया है, गिवन। तो गिवन आप देखोगे तो क्या दे रखा है आपको, एक तो दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात आपको दे रखा है एन, और एन कितना दे रखा है 200, ठीक है 200 हो गया। और दूसरा क्या दे रखा है, प्रति सेकंड, अर्थात टी बराबर क्या बात कर रहे हैं, 1 सेकंड। ये दो चीज़ें हमको सवाल में दे रखी, और उसी आधार पे हमको क्या करना है इस सवाल को, बहुत ही सिंपल है। हमारा जो सूत्र है धारा का वो है आई बराबर क्यू ओपन टी, और जब हम जान रहे हैं हमको नंबर दे रखा है तो हम इसका मॉडिफाई सूत्र काम में लेते हैं, क्यू को रिप्लेस कर देते एन ई से, ठीक है। और एन बराबर हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 200, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज बनता है, आवेश बनता है, वो कितना है, बनता है 1.6 × 10⁻²। ये बनता है एक इलेक्ट्रॉन। और हमारा जो समय कितना दे रखा है, एम के इस पद्धति में टाइम का मात्रक क्या हो जाएगा, देख सकते। अब जब मैं इसको पॉइंट हटाता हूँ तो मेरे यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0, 0 से 0 कट जाएगा, 16 का पहाड़ा दो बार बोलेंगे कितना आ जाएगा 32, एक जीरो जो रिमेनिंग बचा था उसको यहाँ पे लगा है 320 × 10⁻¹⁹। ये मेरा क्या हो जाएगा इस सवाल का, क्या हो गया हमारा। तो हमको धारा का मान कैसे ज्ञात करना है वो एक सवाल की सहायता से हमने समझा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि धारा का मात्रक क्या होता है। नेक्स्ट क्या है हमारे सामने, धारा का, हम बात करेंगे धारा का करंट की डेफिनेशन हो गई, ये करंट की यूनिट होगी, फिर उसके बाद हम बात करेंगे करंट की, करंट का विमीय सूत्र। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम किसी चैप्टर को या किसी टर्म को क्लियर करेंगे। धारा का है उसी प्रकार से हम आगे चल करके चालकता, प्रतिरोध, हर एक के अंदर ये बेसिक चीज़ें हमको पढ़नी है, यूनिट, विमीय, इक्वेशन, ये हमको पढ़ना ही पड़ेगा, और उसके बेस पे हमारे क्वेश्चन भी डेफिनेटली बनता ही। अब बात कर लेते हैं हम इसके मात्रक की, तो मात्रक या यूनिट है वो किससे प्राप्त होगी, तो हमारे मुख्य जो सूत्र है उस पर हमको जाना पड़ेगा। किसी का भी मात्रक ज्ञात करना है तो आपको उसका मुख्य सूत्र पकड़ना पड़ेगा, और मुख्य सूत्र क्या है, आई बराबर क्यू बाय, ये इसका क्या है मुख्य सूत्र। अब हम जानते हैं कि आवेश का जो मात्रक है, चार्ज का जो मात्रक है वो क्या है कूलम, और समय का जो मात्रक है वो क्या है सेकंड। तो हमारा जो ये धारा का जो मात्रक हो जाएगा ऑफिशियल वो क्या हो जाएगा, कूलम ओपन सेकंड, ये हमारा धारा का मात्रक। ये तो हो गया ऑफिशियल सूत्र से डेवलप। और एक होता है वैज्ञानिक को समर्पित मात्रक, अगर कोई वैज्ञानिक इसके अंदर बहुत गहराई से वर्क करता है और इसके प्रति उसने बहुत सारा डेडिकेशन दिया है, तो जो इंटरनेशनल कमेटी है उसके सम्मान, उसके सम्मान में एक मात्रक घोषित कर देती है उसी टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे धारा के का वैज्ञानिक जो मात्रक है वो होता है एमपी, और यही ज़्यादा लोक प्रचलित मात्रक माना जाता है। धारा का जो लोक प्रचलित मात्रक कौन सा है, एमपी। सामान्यतः हम कूलम पर सेकंड का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेंगे हम धारा का मात्रक हो गया, उसके बाद हमारा होगा धारा की विमा, सेकंड बात करेंगे धारा की विमा। अब किसी भी भौतिक राशि की विमा हमको निकालनी है तो भी हमें मुख्यतः किसको फोकस करना पड़ेगा, इसके सूत्र पर, और इसका सूत्र क्या है, आई बराबर क्यू ओपन टी, ठीक है। और क्यू की विमा हम जानते हैं क्या होती है, ए, और टी की विमा क्या होती है, टी, तो टी से टी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल और केवल ए। तो हमारी जो धारा की विमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एम जीरो
L0, T0 और A1, ये हमारी हो जाएगी धारा की, बहुत इजी है। बाकी भौतिक राशियों की तुलना में अगर हम तुलना करेंगे तो बहुत ही इजी है ना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि धारा, कभी कभी क्या होता है प्रश्न इजी होता है लेकिन उसे शब्दों को उलझा दिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे बात कर लूँ धारा की विमा, अगर वो बात करता है विद्युत धारा की विमा, यही प्रश्न दे रहा है, एक प्रश्न दे रहा है विद्युत धारा पर। प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न देगा वो विद्युत धारा की विमा, विद्युत धारा की विमा M, L, T, C में बता। विमा तो प्राप्त करना धारा की बहुत इजी है, लेकिन इसने क्या कर दिया, शब्दों में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट दिया। इसकी जो विमा हो जाएगी हमको किस में प्राप्त करनी है, कूलम, और कूलम में ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना हमारा सूत्र क्या है, I = Q/ओपन, यह तो हमारा मुख्य सूत्र है। अब हम जानते हैं वो सी में मांग रहा है, ए में नहीं मांग रहा है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, क्यू की जगह सी, ठीक है, और टी की जगह टी। अब हम इसी के आधार पे हम हमारा विमीय समीकरण बनाएंगे, एम हो जाएगा 0, एल हो जाएगा 0 और टी हो जाएगा -1 और सी 1, ये हमारा क्या बन जाएगा विमीय समीकरण, और वो किस पर आधारित होगा, कूलॉम पर। तो ये इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा विद्युत धारा की कूलॉम आधारित जो विमीय समीकरण है वो है M0, L0, T-1 और C, ये हमारा क्या हो गया, कूलॉम आधारित विमीय। अभी ये हमारा धारा का टॉपिक हुआ। अब इसके बाद हमारे सामने आएगा नया टर्म, वो होगा धारा घनत्व। जैसे हमने धारा को देखा उसी प्रकार से हम नेक्स्ट टर्म पे बात करेंगे, धारा घनत्व, धारा धारा घनत्व में भी हमें सेम इसी तरीके से पढ़ना है। पहले हमको उसका डेफिनेशन, फिर उसकी यूनिट और उसके बाद उसका विमीय समीकरण। दो सेकंड होल्ड रखता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं घनत्व का तात्पर्य क्या होता है, इकाई एरिया में कितने पार्टिकल होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, घनत्व, या इंग्लिश में डेंसिटी। तो जब हम धारा घनत्व की बात कर रहे हैं तो उसके इकाई क्षेत्रफल में कितनी, कितना करंट जा रहा है, वही कहलाएगा धारा। क्षेत्रफल की भी बात होगी और धारा की भी बात होगी, धारा तो घनत्व। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, और धारा घनत्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से, जे सदिश, ये क्या है इसका, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, किसी चालक अर्थात तार, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं, प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अर्थात हम गणितीय रूप में इसको लिख सकते हैं, अर्थात हम गणितीय रूप में इसको क्या लिख सकते हैं, धारा घनत्व को J सदिश बराबर I / A, यहाँ पे क्षेत्रफल हो गया, नीचे वाला A क्या है, क्षेत्रफल, और I क्या है, उसमें प्रवाहित धारा का, और यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो किस संदर्भ में रहेगा, अनुप्रस्थ काट में, क्योंकि कोई तार होता है तो तार का जो आगे का सिरा हम देखते हैं तो वो कुछ गोलाकार इस प्रकार से होता है, इसमें एक लंबाई भी होती है और एक रहती है चौड़ाई,
अच्छा अनुप्रस्थ काट का तात्पर्य ही हुआ है कि उसमें लंबाई और चौड़ाई इंक्लूड, तो हमारा ये हो गया इक्वेशन। सदिश बराबर आई ओपन ए, और यहाँ पर ए को हम क्या कह रहे हैं, अनुप्रस्थ काट, किसका, चालक का या तार का, ये हो गया हमारे धारा घनत्व की डेफिनेशन। किसी चालक के इकाई में से, इकाई एरिया में से प्रवाहित धारा, एकांक अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या हो, इकाई में से प्रवाहित धारा का मान को क्या कहते हैं, धारा घनत्व। अब हम बात कर लेते हैं धारा घनत्व की का मात्रक, तो हम बात करेंगे धारा घनत्व का मात्रक। मात्रक पूछे तो भी, इकाई पूछे तो भी, और यूनिट पूछे तो भी, ठीक है। पर हमको जब भी ये चीज़ें प्राप्त करनी होती हैं, हम किससे प्राप्त करते हैं, मुख्य सूत्र पर ही से के आधार पर प्राप्त करते हैं। और धारा घनत्व का जो मुख्य सूत्र है वो क्या है, जे सदिश बराबर आई ओपन ए। पर हम जानते हैं धारा को किसमें नापते हैं, एम्पियर में, किसमें नापते हैं, एम्पियर। और एरिया को किसमें नापेंगे अनुप्रस्थ काट को, तो अनुप्रस्थ काट को नापेंगे हम मीटर इंटू मीटर, एक तो लंबाई का मीटर और एक विड्थ का मीटर, तो मीटर मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, मीटर स्क्वायर। और ये जो हमारा मात्रक आएगा वो किसका मात्रक आएगा, धारा घनत्व, बहुत ईजी है, एम्पियर ओपन मीटर स्क्वायर। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप मुख्य सूत्र से डिराइव कर सकते हो एट द स्पॉट, है ना, क्योंकि आपको जो सब जो मात्रक हैं वो मुख्य मुख्य मात्रक याद है, तो इनका निकालना आसान है। अनुप्रस्थ काट का ऑलवेज भी मीटर स्क्वायर रहेगा, धारा का ऑलवेज भी एम्पियर ही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसका विमीय सूत्र, धारा घनत्व का विमीय सूत्र हम बात करेंगे, धारा घनत्व का विमीय सूत्र। ये भी उतना ही आसान है जितना मात्रक निकालना, और ये हमेशा हमको ये ध्यान रखिए भौतिक राशियों का मात्रक विमा और इनकी डेफिनेशन पर आधारित एक या दो नंबर का प्रश्न बनता है। हमें इसका मात्रक विमा सूत्र निकालना है, तो हम देख लेते हैं I का जो मुख्य सूत्र क्या है इसका, J सदिश बराबर I ओपन A, ये हो गया हमारा मुख्य मेन फार्मूला। अब इसमें हम जानते हैं I का जो विमीय समीकरण के लिए यूज करते हैं वो क्या है, एम्पियर। I को किस में नापते हैं, एम्पियर। और A क्या है यहाँ पे, अनुप्रस्थ काट, अर्थात ये क्या हो गया हमारा, लंबाई का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम उन्हें सुव्यवस्थित कर लेते हैं, हमारे विमीय समीकरण में मास जीरो है, लंबाई है और वो इनवर्स है, तो अगर हम उसको डायरेक्ट लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। जब भी किसी भिन्न में से हम हर वाली राशि को ऊपर लाते हैं तो नीचे से ऊपर लाने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद टी की बात करें तो टी शून्य है, ए की बात करेंगे तो ए, बहुत ही ईजी गोइंग हमको क्या मिल जाएगा, धारा घनत्व का विमीय सूत्र प्राप्त हो जाए। तो ये तो बात हो गई धारा, सेकंड बात हो गई धारा घनत्व। अब हमारे लिए तीसरा और अति महत्वपूर्ण टॉपिक का होगा ओम का नियम, बहुत ही प्रचलित होता है फिजिक्स में, बहुत जाना पहचाना नाम होता है ओम का। शुरू करते हैं ओम का नियम, ओम का, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन। ओम ने फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, विद्युतकी में बहुत लंबा चौड़ा काम किया कर रखा है इन्होंने, और यह नियम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं फिजिक्स में, हमेशा पूछा जाता है, चाहे प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से जाए देखें या सिद्धांतिक दृष्टिकोण से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसकी। तो मैं इसका नियम लिख देता हूँ, ओम के अनुसार, ओम के अनुसार, ओम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था है, ओम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, किसी चालक की
भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आदि नियत हो तो उसके जीरो पर उत्पन्न विभवांतर भी चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती ये हो जाएगी हमारी क्या इसकी डेफिनेशन। तो एक बार मैं फिर से इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेता हूँ। ओम के अनुसार किसी तार या चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप और दाब को आप कंट्रोल कर दें, स्थिर कर दें, उसको चेंज नहीं करना आपको, ना तो ज़्यादा गर्मी में ले जाना है, ज़्यादा ठंड में ले जाना है, आपको रूम टेम्परेचर पर ही आपको ये प्रक्रिया करनी है। तब ये उसी कंडीशन में बात कर रहा है, एक निश्चित ताप अर्थात 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, दाब भी एक वायुमंडल दाब हो, उसी कंडीशन में उसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा किसी तार के, जो सिरों पर जो विभवांतर होगा, इन दोनों सिरों पर जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, इसमें जो चार्ज क्यू गति कर रहा है उसके समानुपाती होगा। अर्थात हमारा जो चैप्टर वही क्या है, धारा विद्युत की आवेश का गति करना। अब आवेश गति कर रहा है इस तार के अंदर, तो इस तार के दोनों सिरों पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा, वो पोटेंशियल ही क्या करेगा पर। हम बात करते हैं एक पानी की टंकी की, तो पानी की टंकी अगर भरी हुई है इसका मतलब हमारा विभव क्या है, फुल है। विभव क्या है, पोटेंशियल क्या है हमारा, हाई है। अगर वी कम है पोटेंशियल क्या है, कम। और वी ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, धारा के। और अगर एक एक अब हमारा ये वी खाली है, पहले अगर आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा था तो वी क्या खाली है। जैसे जैसे इसमें धारा का प्रवाह होगा तो बूंद बूंद करके जैसे पानी का टंकी भरती है वैसे भरती रहेगी, अर्थात आवेश का प्रवाह होगा तो वी बढ़ेगा, ठीक है। और इसी आवेश के प्रवाह को हम क्या नाम देंगे, आई नाम देंगे, क्या नाम देंगे। और जब वी ज़्यादा होगा तो आपके जो यहाँ से निकलने वाला पानी है जिसको हम यहाँ पे कह सकते हैं धारा, वो क्या होगा, फास्ट। तो वी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, तो हमारा ये सूत्र हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं गणित समीकरण में, अर्थात वी प्रोपोर्शनल टू, वी का मान बढ़ेगा यदि आई का मान बढ़ेगा। और जब हम समानुपाति का चिन्ह हटाते हैं तो हमारा सूत्र क्या बन जाता है, वी बराबर आर आई। और यहाँ पर आर क्या है, तो आर हमारा है एक स्थिरांक जिसे हम ओम का स्थिरांक कहते हैं। आर हमारे पास स्थिरांक है और यहाँ पर हम उसको नाम दिया जाता है प्रतिरोध, क्या नाम दिया जाता है, प्रतिरोध। आर को क्या नाम दिया गया, प्रतिरोध। और वो क्या है, वास्तव में एक नियतांक है या एक स्थिरांक है, इस गणितीय सूत्र का क्या है, एक स्थिरांक। जब भी किसी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमेशा याद रखना एक स्थिरांक डेवलप। तो ये बात हो गई ओम के नियम की, बहुत ही आसान है। अगर आई बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, आई और वी कभी सेपरेट नहीं हो सकते, ये बात हमेशा माइंड में रखनी है, आई और वी को कभी सेपरेट नहीं कर सकते। आई क्या है, तो प्रवाह की कैपेसिटी को बताता है, ये कितनी तेज गति से प्रवाह हो। और वी क्या बताता है, एक भरी हुई टंकी की अवस्था, टंकी खाली है या भरी हुई। अगर भरी हुई है तो सीधी सी बात है इसके अंदर से निकलने वाला पानी भी क्या होगा, फास्ट।
भी और आई कभी सेपरेट नहीं हो सकते। जैसे हम बंदूक और गोली की बात करें तो गोली के का बंदूक के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, और बंदूक का गोली के बिना कोई अस्तित्व, दोनों साथ में रहेंगे तभी इनका क्या है अस्तित्व। गोली क्या करेगी, गोली को अगर अकेले मारेंगे तो गोली नहीं लगेगी। अगर हम गोली को यहाँ पर आई मान लेते हैं और इसको वी मान लेते हैं, तो गोली अगर हम अकेले मारेंगे तो गोली का यूजलेस है, कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगा। जब हम गोली को पिस्टल के साथ में जोड़ देंगे तो वी जब उसको मिलेगा तो इसका जो धारा है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा, या गोली का जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी और वो हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से वी और आई है वो हमेशा कॉम्बिनेशन में ही रहेंगे, जिस प्रकार से गोली और पिस्टल। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ओम का नियम हो गया, और इसमें हमारा जो ओम का नियम आया वो क्या है, वी बराबर आर आई। और अब हम इसमें बात करने वाले हैं जो मुख्य टर्म है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध के ऊपर हम बात करेंगे। तो हमारा नया टर्म हो जाएगा प्रतिरोध की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे प्रतिरोध की डेफिनेशन। प्रतिरोध की डेफिनेशन, किसी चालक में धारा का विरोध करने वाले को प्रतिरोध कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसी चालक में धारा का विरोध करने वाले को प्रतिरोध बहुत ही सिंपल है। अर्थात आपकी धारा जा रही है, अगर उसके अंदर कोई प्रतिरोध नहीं है तो वो अनवरत बहती रहेगी, कभी फुल स्टॉप नहीं। तो प्रतिरोध का होना भी जरूरी है, प्रतिरोध एक बाधा है लेकिन उसका होना भी अति आवश्यक है। अगर बाधा नहीं होगी तो वो तो अनवरत बहती रहेगी। और इसका दूसरा उपयोग क्या है, जैसे हम देख रहे हैं हमारे घर में एक बल्ब लगा हुआ है वो 10 वाट का, ठीक है, और हमारे बाहर से जो वोल्ट का है 10 वोल्ट का है, और हमारे बाहर से जो धारा आ रही है उसका वोल्टेज है 30 वोल्टेज, और हमें बल्ब को चाहिए 10 वोल्टेज। अगर वो 30 और 30 वोल्टेज उस बल्ब को मिल जाएगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसके लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें किस भौतिक राशि की जरूरत पड़ेगी, तो वो है प्रतिरोध। प्रतिरोध का जितना होना ज़रूरी है उतना नहीं होना, अर्थात वो डिपेंड करता है कंडीशन पे कि आपको कहाँ पे इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, कहाँ पे इसकी ज़रूरत कम है। ठीक है, आप ये दिमाग में मत रखिए कि प्रतिरोध नुकसानदायक, प्रतिरोध का अपना वैल्यू है वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। अब हम इसकी आर के संदर्भ में अगर हम सूत्र बनाना चाहते हैं प्रतिरोध का, तो हमारा सूत्र बन जाएगा आर बराबर वी ओपन आई। वी बराबर आर आई होता है, इसको इस आई को यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, वी आर बराबर वी ओपन। अब हमारा नेक्स्ट आता है प्रतिरोध का मात्रक, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रतिरोध का मात्रक। और मात्रक बहुत इजी गोइंग है, इस पर डिपेंड करता है तो मुख्य सूत्र पे, मुख्य सूत्र क्या है हमारा आर बराबर वी ओपन। तो मैं वी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट, हम जानते हैं विभव का जो मात्रक है वो वोल्ट है, और जो करंट है धारा का मात्रक है वो क्या है एम्पियर। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रतिरोध का मात्रक आया वो बहुत ही आसानी से हमको मिल गया है, और इसको हम ऑफिशियल मात्रक कह सकते हैं। इसी प्रकार से इसका एक लोक प्रचलित मात्रक है वैज्ञानिक मात्रक है, और उसका नाम क्या है, आप अच्छी भली भांति नाम भी सुना होगा, तो उसका नाम है ओम, और वो ही वैज्ञानिक के सम्मान में जिन्होंने इस विद्युत के क्षेत्र में अपना विश्व में अपना सर्वाधिक योगदान दिया था, तो उनके सम्मान में नाम दिया गया ओम। तो प्रतिरोध का जो मात्रक है ओम, और यही ज्यादातर बहुतायक में उपयोग में है, ये भी अपनी जगह पे सही है। अब नेक्स्ट टर्म हमारे सामने आएगा प्रतिरोध की डेफिनेशन, प्रतिरोध का मात्रक, और नेक्स्ट आता है प्रतिरोध की विमा। हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रतिरोध का विमा, प्रतिरोध की विमा। ये भौतिक राशियों से संबंधित ये प्रश्न बनते ही हैं, यही तो है मेन है क्या फिजिक्स में,
कोई भी वो दिग राशि उठाए, उसकी उसका मात्रक क्या है, डेफिनेशन क्या है, विमा क्या है, यही फिजिक्स का मेन आधार है। तो बात कर लेते हैं प्रतिरोध की, विमा। तो हमें विमा निकालने के लिए हमको मुख्य सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा, आर बराबर वी ओपन, इसके आधार पर ही हम क्या करेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे। आर बराबर वी ओपन आई की बात करते हैं तो हमको जानते हैं वी का तो कोई अपना व्यक्तिगत कोई विमीय इक्वेशन होता नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वी को रिप्लेस करने के लिए हम कहाँ फोकस करेंगे, वी की डेफिनेशन। और जब हम वी की डेफिनेशन देखते हैं तो वी की डेफिनेशन हमारी होती है एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। और उसका गणितीय इक्वेशन क्या होता है, वी बराबर डब्ल्यू ओपन। तो हम इस गणितीय इक्वेशन को से हमको पता चलता है कि वी का संबंध डब्ल्यू और क्यू से, और डब्ल्यू का अपना खुद का विमीय समीकरण है, क्यू का भी अपना खुद का विमीय समीकरण। अगर उसको हम यहाँ पर पुट कर देते हम आर का जनरेट कर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी को रिप्लेस कर देंगे डब्ल्यू ओपन क्यू से कर सकते हैं, और आई का आई। अब हम जानते हैं डब्ल्यू का जो कार्य का जो विमा है वो कितने होता है, एम वन एल टू टी माइनस, और Q के हमेशा क्या रहता है, ए टी धारा की डेफिनेशन है, और I का क्या रहता है, A धारा को हम किसमें नापते हैं। अब इसको हम सुव्यवस्थित कर लेंगे तो हमारी जो विमा आएगी वो क्या विमा आ जाएगी हमारे सामने, M1 का M1, L2 का L2। अब T एक इधर है, माइनस दो इधर हैं, इस T को हर से अंश में लाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टोटल टी कितना हो जाएगा, टी माइनस टी। और ए दो हैं तो ए का स्क्वायर हो गया, और जब ए की स्क्वायर को ऊपर की ओर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस। तो ये हमारा विमीय समीकरण हो जाएगा किसका, प्रतिरोध का। बहुत ही इजी कहेंगे एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। अब हम बात कर लेंगे प्रतिरोध की डेफिनेशन हो गई, प्रतिरोध का मात्रक हो गया, प्रतिरोध की विमा हो गई। अब हम बात कर लेंगे प्रतिरोध की निर्माता। इस पर प्रश्न आता है कि प्रतिरोध किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा प्रतिरोध की निर्भरता है, किसी तार का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करते हैं। तो प्रतिरोध की निर्भरता की बात करें हम तो सबसे पहले मैं प्रतिरोध का जो सूत्र है जिस पर डिपेंड करता वो लिख देता हूँ। वो सूत्र है हमारे पास R बराबर रो L ओपन, ये कि सेल स्थिरांक कहते हैं इसको, ठीक है, ये R है और ये एक प्रोपोर्शनल का साइन हटाते थे, इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो इन राशियों पर ये प्रतिरोध निर्मित करते हैं। अब ये जो सूत्र आपको कुछ नया दिखाई दे रहा है, ये हम कहाँ से प्राप्त किए हैं, तो ये हम प्राप्त किए प्रतिरोध R के किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है उसको हमने गणितीय इक्वेशन में डाल करके प्राप्त किया है। अब यहाँ पे L का क्या तात्पर्य है, तो L का तात्पर्य है किसी तार की लंबाई, ठीक है, और ए का क्या तात्पर्य है, तो तार का अनुप्रस्थ काट। और रो की बात करें तो रो का क्या तात्पर्य है, तो रो का तात्पर्य है विशिष्ट प्रतिरोध, का तात्पर्य विशिष्ट प्रतिरोध, ये मूलत। और आर का मतलब, तो आर हम जानते हैं तार का प्रतिरोध या चालक का प्रतिरोध। अब मैं बात कर लेता हूँ, पहला यह किस पे डिपेंड करेगा, किस तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर किस पे डिपेंड करेगा, लंबाई। तो पहली हमारी निर्भरता हो जाएगी चालक की लंबाई पर, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई। और लंबाई के साथ में कैसे निर्भर करेगा, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल, कहने का तात्पर्य है आर जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब यदि L बड़ा आर भी क्या होगा, बढ़ेगा, और L कम हुआ तो आर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये क्या है इसका समान। सेकंड आता है हमारे पास में चालक के अनुप्रस्थ काट पर,
सेकंड किसकी बात करें, चालक का अनुप्रस्थ का, चालक का अनुप्रस्थ और चालक के अनुप्रस्थ काट के साथ में कैसा संबंध है इसका, तो आप इस इक्वेशन पे देखो आर और ए का कैसा संबंध नजर आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन ओपन ए। तो हम कह सकते हैं यदि ए बड़ा उसकी उसकी मोटाई बड़ी है तो उसका जो आर है वो घट जाएगा, और अगर उसकी मोटाई कम हुई तो आर क्या हो जाएगा, बढ़। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक बढ़ता है तो एक घटता है। और तीसरा इसके किस पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर। तीसरा पॉइंट होता है प्रतिरोध निर्भर करता वो है चालक की प्रकृति पर। चालक की प्रकृति का तात्पर्य क्या है कि चालक किस कंटेंट का बना हो, किस पदार्थ का बना हुआ है, कि वो सिल्वर का बना हुआ है, सोने का बना हुआ है या कॉपर का बना हुआ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो बात होगी हमारी प्रतिरोध की निर्भरता। अब हमारा नेक्स्ट टर्म आता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। यहाँ टर्म हमारे पास में क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध, ये भी बहुत ईजी है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, दोनों का नाम एक ही नाम है ना, प्रतिरोधकता कहो या विशिष्ट प्रतिरोध करो, इंग्लिश नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस करो, तीनों एक ही इसको बताते हैं। अब मैं बात कर लेता विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध का जो सिंबल दिया गया है वो दिया गया है रो, का नाम क्या है रो। तो विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में क्या अंतर है, तो प्रतिरोध की जब बात करते हैं तो हम कुल प्रतिरोध की बात, मतलब एक तार अगर हमारा 100 सेंटीमीटर का तार है तो 100 सेंटीमीटर तार के अंदर जो टोटल प्रतिरोध है वो कहलाता है कैपिटल आर। और विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें, 100 सेंटीमीटर के तार हैं और विशिष्ट प्रतिरोध की बात, हम 1 सेंटीमीटर में जो प्रतिरोध है अर्थात उस तार के इकाई लंबाई में जो प्रतिरोध है, इकाई में जो प्रतिरोध है वो क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। जिसे विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट चालकता होता है, हर एक की भौतिक राशि का इकाई मान होता ही होता है, ठीक है। और इकाई मान हमारे लिए कैसे महत्व रखता है, अगर हमको किसी का इकाई मान पता होता है तो हम उसका कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। घनत्व भी एक इकाई है, अल्पतन मान की बात करो तो भी इकाई है, 1% की बात करो तो भी इकाई है, विशिष्ट प्रतिरोध की बात करो तो भी इकाई है, विशिष्ट चालकता की बात करो तो भी इकाई। अब वो इकाई अगर हमको प्राप्त होती है तो हमको टोटल को प्राप्त करने में बहुत आसानी रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लूँ, अगर एक पार्लेजे का मूल्य 5 रुपये है और अगर मैं पूछूँ 30 का मूल्य क्या है, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो 30 × 5 कितना हो जाएगा, 150 रुपीस। तो वो आपको कैसे पता चला, क्योंकि आपको इकाई का मान पता है। उसी प्रकार से अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध का तात्पर्य इकाई लंबाई में जो प्रतिरोध है, अगर इकाई लंबाई में प्रतिरोध आपको दे देता हूँ, जैसे मेरे पास 100 सेंटीमीटर का तार है, मैं बताऊं इकाई लंबाई में मेरे पास 2 ओम तार है, तो आप सीधी सी बात है टोटल में कितना हो जाएगा, लंबाई और अनुप्रस्थ काट का उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या आ जाएगा, उसका ओवरऑल या टोटल आपका जो रेजिस्टेंस है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, तो हम कह सकते हैं किसी भी चालक की एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की प्रतिरोध तो उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी चालक के एकांक लंबाई की बात करो या उसका एकांक अनुप्रस्थ का, ये तार है तो इसकी इकाई लंबाई की बात करो और इकाई गोला का क्षेत्र अनुप्रस्थ काट की बात करो, उसका जो प्रतिरोध है वो क्या कहलाएगा, प्रतिरोध।
तो अर्थात हमारा जो सूत्र था, अर्थात कौन सा सूत्र, आर जो आर जिस पे डिपेंड कर रहा था, वो सूत्र क्या था हमारे पास में, आर बराबर रो एल ओपन डी, ये सूत्र था। अब हम यहाँ पे रो को क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे रो को करें फिशिट होते, तो हम रो को कह सकते हैं, रो को हमको मॉडिफाई करना है तो आर इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा, तो हमारा सूत्र बन जाएगा रो बराबर आर ई ओपन एल। इधर तो रो करना है तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से सरली गलत कर देता हूँ, आर को मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा बात तो हुई आर ए रो एल, अब रो अकेला चाहिए मेरे को, तो मैं एल को हटाऊंगा तो वो कहाँ जाएगा, आर ई एल, और इसको पुनः सुव्यवस्थित कर देता हूँ, रो को लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ, आर ए को ओपन एल को राइट साइड में लिख देता हूँ, मेरा इक्वेशन बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, और इस इक्वेशन में यदि आप लंबाई को किस लंबाई को क्या कहते हो, लंबाई 1 सेंटीमीटर कहते हो, और अनुप्रस्थ काट को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो हमें अनुप्रस्थ काट हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आर है उस तार का, वही क्या है उसका रो है, मतलब आप तार ही कितनी लंबाई का ले रहे हो, 1 सेंटीमीटर का, और उसकी चौड़ाई भी क्या ले रहे हो, तो सीधी सी बात है वही तार का जो प्रतिरोध होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध। अब हम बात कर लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भर, यहाँ पर डाल देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता है, प्रतिरोध की, जैसे हमने प्रतिरोध की निर्भरता की बात करी थी, उसी प्रकार से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता। तो हम यहाँ पे पहली लाइन लिख देते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध केवल चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करता है, चालक पदार्थ की प्रकृति, और प्रतिरोध किस पर निर्भर करता, लंबाई अनुप्रस्थ काट और प्रकृति पर, लेकिन जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करतेगा, केवल और केवल आपका किस पर, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ किसका बना हुआ है, लंबाई का, सोने का, चांदी का, वो लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं, तो दोनों ही अलग अलग प्रश्न है, प्रतिरोध की निर्भरता और विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भर, तो जहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न बनता है वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना भी बन जाती है, ताकि बच्चा प्रतिरोध की जगह उसके दिमाग में विशिष्ट प्रतिरोध है तो उसके आधार पे सवाल गलत हो जाता है। तो आपको दोनों ही कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना है, विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ की प्रकृति नेचर पर डिपेंड करता है, लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन प्रतिरोध की बात करें तो वो लंबाई अनुप्रस्थ काट और प्रकृति तीनों पर निर्भर करता है। उसके बाद बात करेंगे हम क्या कि इसका मात्रक है ना, किसी भी भौतिक रचना में हम तीन ही चीज़ें पढ़ते हैं, पहले डेफिनेशन, फिर मात्रक और विमा, अब इसके मात्रक की बात कर लेते हैं, इसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, अगर प्रतिरोधकता शब्द लिखा हुआ आता है तो भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मैंने बताया बोलती भौतिक राशि का मात्रक या विमा सूत्र ज्ञात करना है, सबसे पहले हम उसका किस इस पे फोकस करेंगे, उसके सूत्र पे, तो सूत्र हो जाएगा हमारे पास आर ए ओपन एल, यही सूत्र था हमारे पास। ठीक है, अब हम जानते हैं आर को किस में नापते हैं, आर का मात्रक क्या है हमारे पास, ओ क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्या है हमारे पास में, एम के एस प्रतिशत में मीटर स्क्वायर, और लंबाई का क्या हो जाएगा हमारे पास मीटर, एक मीटर से एक मीटर कट सकता है, नहीं कट सकता, तो हमारे पास अब क्या बच गया, जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम इंटू मीटर, हमारा जो मात्रक रह गया वो क्या रह गया, दो मीटर स्क्वायर नहीं रहेंगे ना, एक मीटर कट जाएगा, दो में से एक गया तो कितना बचेगा, एक मीटर क्लियर होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेंगे हम किसकी, मात्रक की बात हो गई, और नेक्स्ट आता है हमारा विमीय इक्वेशन, विमा किसकी, विमा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की,
तो वही सूत्र को सहारा लेना है, रो बराबर आर ए ओपन एल, ठीक है। तो जिससे कि हम जानते हैं रो बराबर हो जाएगा आर ए ओपन, और आर का जो सीधा सीधा उसका खुद का कोई बीमा नहीं होती, और जब खुद की बीमा नहीं होती तो हमको क्या करना पड़ता है, ऐसा सूत्र प्राप्त करना पड़ता है जहाँ से हमको उसकी बीमा मिल सकती है। तो आर का नेक्स्ट सूत्र होता है आर बराबर वी ओपन आई, और हम जानते हैं V की हमको बीमा मिल सकती है और I की बीमा, और V की बीमा भी हम सीधी प्राप्त नहीं कर सकते, V की बीमा प्राप्त करने के लिए भी उसका सूत्र रहता है वी गो का W ओपन Q, उसको रिप्लेस करके ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, R को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, V ओपन I से, ठीक है, और A का A और L का, ठीक है। अब मैं फिर से नेक्स्ट कर रहा हूँ V को रिप्लेस कर रहा हूँ, W ओपन क्यू आई एल और उधर ऊपर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, डब्ल्यू की बीमा मेरे को हमेशा पता रहती है, क्या रहती है डब्ल्यू की बीमा हमेशा एम वन एल टू टी माइनस टू, ए की भी बीमा पता रहती है, ए क्या है यहाँ पे अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का भी क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, क्यू का भी पता है, क्यू का क्या होता है ए टी होता है, क्या होता है ए टी होता है, आई का पता है, आई का क्या होता है ए, और लंबाई का क्या होता है लंबाई का लंबाई होता है लंबाई का। तो ये सारी राशियों में इस सूत्र में रख देता हूँ और पुनर्व्यवस्थित करते हुए मैं इसका विमीय समीकरण प्राप्त कर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ W इंटू ए क्यू इंटू आई इंटू ए, इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ, सबसे पहले मैं बात वैल्यू पुट करूंगा एम वन एल टू टी माइनस, अब मैं एम्पेयर का लिखता हूँ लंबाई इसको अनुप्रस्थ काट के लिए लंबाई इसको, क्यू के लिए लिखूंगा मैं ए टी, आई के लिए क्या लिखूंगा ए, और लंबाई का लंबाई इसको पुनर्व्यवस्थित करो तो आप एम हमारे पास एक का एक है, ठीक है, एम हमारे पास कितना है एक, एल कितना है हमारे पास तो दो एल और दो एल ये चार एल और एक एल ये, जब ये एल ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा चार में से एक एल चला जाएगा तो हमारे पास कितना रहेगा एल तीन, ये ध्यान रखना दो और दो चार हो गए, और जो ये एल नीचे वाला है वो ऊपर आता है माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, चार में से एक चला गया एल थ्री रह गया। उसके बाद बात करते हैं टी, टी एक इधर है दो इधर है, ये नीचे से ऊपर आएगा टी माइनस टी माइनस का हो जाएगा, ऊपर ऑलरेडी माइनस को दो का है, ठीक है। उसके बाद बात करते ए की, तो ए कितना है हमारे पास दो, तो हमारा ए स्क्वायर है लेकिन वो किस में आ जाएगा माइनस दो में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बीमी इक्वेशन बन जाएगा, और ये बीमी इक्वेशन किसका बनेगा हमारे पास में है विशिष्ट प्रतिरोध, बहुत ईजी गोइंग प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। अब बात करेंगे प्रतिरोध हो गया, तो प्रतिरोध के बाद में हमारा नया टर्म या नया टॉपिक आएगा चालकत्व, नया टॉपिक हमारे पास क्या आएगा चालकत्व, बहुत ही इजी है चालक, तो चालकता क्या है तो प्रतिरोध का उल्टा, मतलब इलेक्ट्रॉन का कंडक्टेंस की कैपेसिटी क्या है धीमी गति से हो रहा है तेज गति से हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने वाली भौतिक राशि को हम क्या कहते हैं चालक। अब वो तेज गति से हो रहा है तो वो डिपेंड करेगा प्रतिरोध पे, उसकी अड़चन और बाधा पे, अगर बाधा कम है तो सीधी सी बात है उसका फ्लो क्या होगा तेज होगा, अगर बाधा ज़्यादा है तो फ्लो क्या हो जाएगा कम। तो हम चालक का जो भौतिक राशि है वो मुख्य तो किस पे डिपेंड करती है प्रतिरोध पे, और प्रतिरोध हम पढ़ चुके हैं, और चालकता को हम सीधे और सरल शब्दों में कह सकते हैं प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता। तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ सरल शब्दों में, तो वो होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, है ना। अब व्युत्क्रम कहो विलोम कहो उल्टा कहो सबका तात्पर्य एक ही है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, इससे सरल डेफिनेशन होती नहीं है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम या विलोम को हम क्या कहते हैं चालकता। तो अर्थात हमारा इसका गणितीय इक्वेशन लिखना है, गणितीय रूप में इस डिफिनेशन को लिखना है, हम क्या लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसकी गणितीय डेफिनेशन, सी हम अगर C
इसको रिप्रेजेंट करते हैं चालकता को, तो हमारा सूत्र हो जाएगा वन ओपन। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ पूछता हूँ, हमने इससे पहले सी सिंबल का यूज़ किया है, कहाँ किया है? उदाहरित, वो भी चीज साथ में लेकर के आपको, तो वहाँ पे हमने कैसे प्राप्त किया था कि आवेश बढ़ने पर क्या बढ़ता है? वी बढ़ता है, और जब इसको हटाया था तब हमको क्या मिला था? सी वी, और सी को ज्ञात करना है तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? वी ओपन। ये धारिता वाले चैप्टर में हमने देखा था, वो भी साथ साथ में डाटा क्लियर होगा तो दोनों में डिफ्रेंशिएट भी होता जाएगा कि वहाँ पे सी का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे क्या सी का, ठीक है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? वन ओपन आर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसा संबंध बताया था? विलोम संबंध बताया था, एक बढ़ता है एक घटता है। आर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है चालकता या इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है या चार्ज का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा? स्वतः कम हो जाएगा। अब हो गया ये तो इसकी डेफिनेशन, अब हम बात करेंगे इसका मात्रक। किसका मात्रक? चालकता। चालकता को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टेंस, और इसका सिंबल क्या है? सी। अब इसका मात्रक निकालना है तो बहुत ही सरल है, इसके फॉर्मूले पे फोकस करो, सी बराबर वन ओपन, ठीक है। अब फार्मूले पे फोकस करते हैं तो हम जानते हैं कि आर का जो मात्रक है वो क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। तो मैं इसका मात्रक लिख सकता हूँ वन ओपन ओम, ये हो गया उसका। इस ओम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर ऊपर लिखना चाहता हूँ अंश में, अभी हर में, तो मैं लिख सकता हूँ ओम इनवर्स, मतलब ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। और ओम को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ओ एच एम। अब ओ एच एम का हमारा ओम का उल्टा ही यही है, ओ एच एम को हम क्या कहते हैं? एम एच ओ। तो हमारा ये दूसरा मात्रक होता है म्यू, क्या कहते हैं? म्यू भी इसका। और वैज्ञानिक मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक एक और हो जाएगा। तो ये चारों ही मात्रक इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं चालकता। वन ओपन ओम लिखो तो भी सही है, ओम इनवर्स लिखो तो भी सही है, और म्यो लिखो तो भी सही है, साइमन लिखो। और इनमें बारीक डिफरेंस क्या है ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट ओम लिखा तो वो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वन ओपन ओम लिखा तो वो आपका रिप्रेजेंट करने का कंडक्टेंस। ओम इनवर्स लिखना है, म्यो इनवर्स नहीं लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। आपने ओम इनवर्स लिखा तो दूसरा मात्रक होता है वो म्यो होता है, केवल म्यो होता है, उसके ऊपर पावर नहीं होती। और साइमन आप सेपरेट मात्रक हैं, तो दिक्कत, ये हो गया उसका मात्रक। अब हम बात कर लेंगे इसकी विमा, इसकी विमा चालकता की विमा, चालकता की बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली। तो विमा की बात करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका मेन सूत्र लिखो सी बराबर वन ओपन आर। इस सूत्र से हम विमा निकाल लेंगे, लेकिन ये सूत्र जो लग रहा है छोटा वो रास्ते में छोटा नहीं है, क्योंकि आर सीधा सीधा कोई विमा नहीं रखता है। अब जब आर सीधा सीधा विमा नहीं रखता है तो हमको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, और आर को रिप्लेस करने के लिए आर का संबंध किससे, ऐसा सूत्र हमको सर्च करना पड़ेगा। आर का सूत्र संबंध होता है ओम के नियम में, तो आर का जो ओम के नियम में सूत्र होता है वो होता है आर बराबर वी ओपन आई। ये सूत्र हमको सबसे पहले इसमें पुट करना पड़ेगा, वन ओपन वी ओपन आई। और मैंने बताया जब भिन्नों का भाग होता है तो जो चौथे नंबर की राशि होती है अंतिम में, वो पलट के कहाँ जाती है? ऊपर। तो जब हम इसको पुनः व्यवस्थित करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं आई ओपन वी। तो हम जानते हैं वी का भी अपना कुछ अपना व्यक्तिगत विमीय समीकरण नहीं होता है, इसको भी हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं वी का संबंध कहाँ होता है, तो विभव वाले डब्ल्यू ओपन क्यू से। अब डब्ल्यू और क्यू का अपना अपना क्या है, विमीय इक्वेशन है। तो मैं यहाँ पे वी को रिप्लेस कर देता हूँ डब्ल्यू ओपन क्यू, और जो चौथे नंबर का है वो पलट के कहाँ आ जाएगा? ऊपर, ठीक है। अब हम सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डब्ल्यू आई की विमा होती है क्या? ए। आई की विमा क्या हो जाएगी? ए। क्यू की विमा क्या हो जाएगी? ए टी। और W की विमा क्या हो जाएगी? M1, L2, T-। अब इसको कंक्लूजन निकाल दो, M हमारे पास कितना आ गया? माइनस का 1, L कितना आ गया? माइनस का 2, क्योंकि ऊपर आएंगे ना। अब T की बात करो तो T-2 और ऊपर 1 है, है ना, तो प्लस का 1 है और माइनस का 2 है, तो कितना बचेगा? माइनस का 1। एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक ना। एक माइनस 2 ऊपर लाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का, और ऑलरेडी एक प्लस का है ना, तो यहाँ पर हमारा ये बनेगा
टी प्लस का तीन बनेगा, ये थोड़ा सा मामूली सा मिस्टेक है, आपको क्लियर करना है। टी प्लस का तीन बनेगा, माइनस दो है ऊपर आएगा, ये प्लस का दो हो जाएगा और एक और साथ में जुड़ जाएगा तो टी प्लस तीन, और ए का क्या हो जाएगा, ए दो है तो एक का दो का। इस तरह से हमको क्या मिल गया, विमीय सूत्र मिल गया। किसका विमीय सूत्र मिला है, चालकता का। क्या है, एम वन एम माइनस वन एल माइनस टू टी प्लस तीन और ए प्लस चालकता का हमारा विमीय। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम क्या, चालकता, जैसे प्रतिरोध था वैसे वैसे चालकता है, और उसी प्रकार से हमारा आएगा विशिष्ट चालकता। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, विशिष्ट चालकता। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विशिष्ट, और विशिष्ट चालकता भी बहुत इजी है, मैंने बताया था विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब इकाई का प्रतिरोध। तो विशिष्ट चालकता भी क्या होगा, इकाई तार का, इकाई लंबाई का तार और इकाई अनुप्रस्थ काट के जो तार है वही क्या कहलाएगा, उसकी जो चालकता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वही क्या कहलाएगा हमारा विशिष्ट चालकता। और इसका डेफिनेशन हमको लिखना है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को जब इकाई का जो प्रतिरोध है उसका उल्टा कर दोगे तो इकाई में चालकता आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, अर्थात हम इसको गणितीय रूप में लिखना चाहें, अर्थात गणितीय रूप में अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं विशिष्ट चालकता को, चालकता बराबर वन ओपन रो, रो क्या है यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब इसके सेकंड हमारे पास आ जाएगा, ये तो डेफिनेशन हो गई विशिष्ट प्रतिरोध, अब इसका बात करेंगे मात्रक की। तो मात्रक जो विशिष्ट प्रतिरोध का, अगर मात्रक आपको पता है तो विशिष्ट चालकता का मात्रक में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हमारे पास क्या आया था, ओम इंटू मीटर आया था ना, तो हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक था ओम इंटू मीटर हमने निकाला, तो जस्ट अभी निकाला। तो मैं इसको क्या रखूंगा, इसमें हर में चला जाएगा, तो यहाँ पे मेरा मात्रक हो जाएगा एक बटा ओम इंटू, ठीक है, और मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, सीधी सी बात है। ठीक है, और लिखना चाहूँ तो ओम इनवर्स को मैं क्या लिखता हूँ, म्यू भी लिख सकता हूँ, म्यू इंटू मीटर इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और लिखना चाहूँ तो साइमन इंटू मीटर इनवर्स, सब एक ही मात्र विशिष्ट चालक का मात्रक होगा। अब क्या बात करी हमारी विशिष्ट चालकता की का विमा, नेक्स्ट बात हो जाएगी विशिष्ट चालकता की विमा, चालकता की विमा। बहुत ही आसान है विमा निकालना, क्या करना पड़ेगा, मुख्य सूत्र को पकड़ो, मुख्य सूत्र क्या है, वन ओपन रो। हम जानते हैं रो सीधा सीधा तो कुछ देता नहीं है, तो हम हमको क्या करेंगे, रो का सूत्र रखेंगे आर ए ओपन एल, इसको रिप्लेस कर देते हैं, इस सूत्र में रखते हैं वन ओपन आर ए ओपन एल, एल कहाँ जाएगा पलट के ऊपर, तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा एल ओपन आर ए। ठीक है, एल का है, अब आर का खुद का भी नहीं है तो आर को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, आर बराबर वी ओपन आई से, तो रिप्लेस कर देते हैं एल बराबर वी आई पलट के कहाँ जाएगा ऊपर, और ए का ए, हम जानते हैं वी का भी अपना खुद का कुछ है नहीं, वी को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, वी को किससे रिप्लेस करेंगे तो डब्ल्यू ओपन क्यू से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसका फाइनल यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा एल इंटू आई यहाँ पे डब्ल्यू इंटू क्यू इंटू ए, तो ये तो राशि आ गई जिससे हम विमीय समीकरण प्राप्त कर सकते। ठीक है, अब हम जानते हैं एल का क्या होता है विमीय समीकरण, एल वन आई का क्या हो जाएगा ए, क्यू का क्या हो जाएगा ए टी, और डब्ल्यू का क्या हो जाएगा एम वन एल टू टी माइनस टू, और ए क्या है यहाँ पे अनुप्रस्थ काट है तो उसका क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, तो
इसका फाइनल कंटेंट रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास में, तो फाइनल आ जाएगा m माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर है ऊपर लाएंगे तो माइनस वन। अब l की बात करेंगे तो l एक, नीचे दो और दो चार, चार ऊपर आएंगे तो माइनस के चार, माइनस के चार में इससे प्लस का एक जाएगा तो कितने रहेंगे माइनस के तीन, एम एल माइनस तीन। अब टी की बात कर लेते हैं, टी माइनस दो इधर है, एक टी इधर है, माइनस दो ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस का एक है तो टी प्लस तीन। अब ए की बात कर लेते हैं, एक इधर है, एक इधर है, दोनों कितने हो जाएंगे ए प्लस, तो इस तरह से ये प्लस है ना, तो ये लास्ट में लिखा नहीं जा रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमारा जो द्विमीय समीकरण आया वो है एम वन एल माइनस तीन टी तीन ए दो, ये हमारा विशिष्ट चालक प्रतिबंध हमको मिनी एम माइनस है ना, एम तो माइनस, एल भी क्या है माइनस है और टी क्या है पॉजिटिव तीन है, और ये इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा ये विशिष्ट चालकता के डेफिनेशन मात्रक और विमा यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से बात करेंगे, है ना, तब तक के लिए।